नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण किरतानी है। मैं सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स में कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। सवाल आता है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरीज का, पर ये समझने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को चश्मा आखिर लगाना ही क्यों पड़ता है। इसे हम इस आई मॉडल की मदद से समझेंगे। आई बिल्कुल एक कैमरा की तरह है। जैसे कैमरा में कांच है, आंख में भी एक पहला कांच है जिसे हम पुतली या कॉर्निया कहते हैं। कैमरा की तरह ही आंख के अंदर भी एक लेंस है और एक फिल्म है जिसे हम रेटिना कहते हैं। तो लाइट कॉर्निया पर गिरती है, कॉर्निया उसे लेंस की तरफ बेंड करता है और लेंस फिल्म पर या रेटिना पर फाइन फोकस कर देता है। यदि आंख बहुत लंबी है या छोटी है, या ये पुतली बहुत उठी हुई या बैठी हुई है, दोनों ही सूरतों में लाइट फिल्म पर कंप्लीटली फोकस नहीं हो पाती और इसीलिए हमें कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मे का सहारा लेना पड़ता है। अब यदि हम चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना चाहते तो हम क्या करें? हम किसी भी सूरत में आंख की लंबाई को बदल नहीं सकते, ना छोटा कर सकते हैं ना बड़ा, लेकिन हम बाकी प्रोसीजर्स कर सकते हैं जिन्हें रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहा जाता है, जिससे हम चश्मे से निजात पा सकें। सो फर्स्ट इज कॉर्नियल बेस्ड प्रोसीजर्स, पुतली पर बेस्ड प्रोसीजर्स। सबसे पुराना प्रोसीजर है PRK, जिसमें कॉर्निया की टॉप मोस्ट लेयर को रिमूव करके हम डायरेक्ट लेजर करते हैं। नेक्स्ट इन एवोल्यूशन कम्स ब्लेड लेजर, जिसमें हम एक 22 मिलीमीटर का कट ब्लेड से बनाते हैं और उसके बाद जो लेयर बचती है उस पर हम लेजर करते हैं चश्मे का नंबर रिमूव करने के लिए। इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है रोबोटिक लेसिक या आई लेसिक, जिसमें हम रोबोटिक लेजर से फ्लैप बनाते हैं। और लेटेस्ट टेक्निक है फ्लैपलेस पेनलेस की होल प्रोसीजर, जिसे रिलैक्स या स्माइल कहा जाता है। यदि कोई इन प्रोसीजर्स के लिए अनफिट है तो हम लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज या इम्प्लांटेबल कोलामर लेंसेज, जिन्हें नेचुरल लेंस के ऊपर बिठाया जाता है। यदि नंबर बहुत एक्सट्रीम है तो नेचुरल लेंस को निकाल के उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस भी बिठाया जा सकता है, जिसे रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कहा जाता है। लेकिन इनमें से किसी भी प्रोसीजर के लिए आपकी आई फिट है या नहीं, ये बहुत थॉरो लैसिक वर्कअप प्री वर्कअप के बाद आपके सर्जन ही आपको बता सकते हैं।